ये लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग कल पढ़ रहे थे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। तो बेसिक मैथमेटिकल टूल में कल मैंने आपको डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बताया, और आपको डिफरेंशिएशन की कल मैंने डेफिनेशन बताई थी। बेटा क्या होता है बोलो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन क्या होता था, डेल्टा एक्स। याद आ गया? यस। ये कल मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है। चलिए आइए करते हैं, आज डिफरेंशिएट करना हमें y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव को। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से बाद में डिफरेंशिएट करवाऊंगा, पहले मैं इसको सिंपल मेथड से डिफरेंशिएट करवाता हूँ। बच्चों मेरे साथ क्वेश्चन लिखें, लिखें बच्चों सब लोग क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव। चलो तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना बच्चों, x के रिस्पेक्ट में। सो वी कैन अप्लाई d बाई डी एक्स वाई के ऊपर, तो d बाई डी एक्स हो जाएगा। और डिफरेंशिएशन का टूल क्या होता है, d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव। हाँ बेटा तीन फंक्शन है देखो जय, वन टू एंड थ्री, तीन फंक्शन है, तीनों को अलग अलग ब्रेक कर लो, बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो d बाई डी एक्स क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, सेवन एक्स का, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा बेटा, फाइव का। यस चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो कल मैंने बताया था फॉर्मूला आपको, एक्स स्क्वायर का क्या होता है बेटा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो टू एक्स की पावर टू माइनस वन माइनस। बेटा सेवन कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट को बाहर ले आते हैं, जब तक कांस्टेंट अकेला ना हो बाहर आ जाता है। तो 7 डी वाई डी एक्स ऑफ क्या बचेगा, x, और 5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होगा बेटा, 0। चलो सो ये हो जाएगा 2 x की पावर 2 माइनस वन, मतलब x की पावर 1 माइनस 7, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, एन प्लस 0। तो इसका आंसर कितना आ गया जय, 2x माइनस 7 विल बी द आंसर। ओके 2x माइनस 7 विल बी द आंसर। अगर आप जानना चाहते हो कि x का डिफरेंशिएशन 1 क्यों होता है, तो वेरी सिंपल गाइस, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इट कैन बी रिटन एज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1। x की पावर 1, तो 1 देखिए, n, n कितना है 1, तो n x की पावर n माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, और किसी की भी पावर 0 की वैल्यू 1 होती है मैथ्स में, तो आंसर कितना आ गया 1। तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा, 1 ही होगा। इन शॉर्ट आप याद करने के लिए ट्रिक बना सकते हैं कि नीचे भी डी एक्स ऊपर भी डी एक्स कैंसिल हो गया 1, बट रूल ये नहीं है, ये जस्ट फॉर अ ट्रिक, जस्ट फॉर अ ट्रिक ये कैन यूज कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके गुड, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा ये है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इस तरीके से अपन डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब नाउ अब हम बात करते हैं, स्पेशली 11th क्लास के मैथ्स में है ये फर्स्ट प्रिंसिपल। सो जय, आर यू लिसन मी, आवाज आ रही जय बेटा अच्छे से? वो लेफ्ट हो गया। ओके कोई बात नहीं, चलिए तो देख लेते हैं बेटा, फर्स्ट प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। कैसे किया था अपन ने बच्चों, ये था वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव। वाई को ही अपन क्या बोलते थे बच्चों, एफ एक्स। तो फिर हमें क्या निकालना पड़ता था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो बेटा वाई प्लस डेल्टा वाई कैसे मिलता था, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स रख दिया, सो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस सेवन टाइम्स ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस फाइव हो गया। अब डेल्टा वाई बेटा सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो। क्यों माइनस कर दो, क्योंकि ये पूरा का पूरा बन जाएगा, है ना? तो आप ऊपर आएगा डेल्टा वाई, नीचे आएगा डेल्टा एक्स, तो डेल्टा वाई के लिए आपने सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर दिया, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस सेवन टाइम एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस फाइव, और ऊपर वाला क्या आ जाएगा, ऊपर वाला वाई की वैल्यू ये पुट कर दो बच्चों, वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे। ओके क्या वैल्यू है, मैं वाई नहीं रख रहा हूँ, मोर बेटर आप सीधे वैल्यू पुट कर दो, क्या है वैल्यू, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस
फाइव, ये है। अब चलिए इसको ओपन कर दीजिए, तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, सेम स्टेप रिपीट कर दिया। अब चलिए अब क्या करना बच्चों, अब डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करना पड़ता है, डेल्टा एक्स का पूरी तरफ डिवाइड कर दो और डेल्टा एक्स की वैल्यू अगले स्टेप में जीरो के इक्वल पुट करेंगे लिमिट के, तो इसको ओपन कर दो तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सेवन डेल्टा एक्स और प्लस फाइव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस फाइव। तो यार प्लस फाइव से माइनस फाइव कैंसिल, प्लस सेवन एक्स से माइनस सेवन एक्स कैंसिल, और ये अपने पास सॉल्व हो करके फिर डेल्टा एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर दो और आपके पास फाइनली आंसर वही आ गया बच्चों, कितना आंसर आ गया, टू एक्स माइनस सेवन। तो बायो वाले बच्चों को सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बट मैथ्स वालों को सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब आगे की बात करते हैं, लिखिए बच्चों नेक्स्ट फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, लिखिए फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ देखिए, अगर आपके पास अकेला कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी इक्वल्स टू जीरो, पहला फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इक्वल टू जीरो। सेकंड फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन, कल ही बताया था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके देन अगर आपके पास कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है फंक्शन के साथ और आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कांस्टेंट को सम्मान पूर्वक बाहर निकाल लीजिए और केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, जैसे आपने यहाँ पे किया था 7x में 7 बाहर आ गया था और x का किया था। ओके देन अगर आपके पास दो फंक्शन है और उनके एडिशन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दोनों को अलग अलग करके बांट लो। गॉट बच्चों, समझ में आ गया ना, डन। हाँ बेटा लास्ट वाला देखिए, अगर आपके पास दो फंक्शन है बेटा, दो या तीन जितने भी हैं, जैसे ये क्वेश्चन था यहां पे कितने फंक्शन थे हर्षिता, वन टू एंड थ्री, से यस, तीन फंक्शन है ना बेटा, दिख तो रहे हैं, देखो वन टू थ्री, तो तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये है कि एक्स स्क्वायर का अलग होगा, सेवन एक्स का अलग होगा, फाइव का अलग होगा, ठीक है। यस सर। ओके तो इस तरीके से बेटा ये अलग अलग फंक्शन का डिफरेंशिएट कर दो, बन जाएगा। आ गया समझ में, नहीं आया अभी भी बताओ। आ गया सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेवन कितना होगा बेटा, साफ दिख रहा है कांस्टेंट है, आंसर होगा जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब कल बताया था मैंने क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर। ओके डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जस्ट नाउ अभी अभी बताया मैंने क्या होगा, एक्स की पावर वन। एक्स की पावर वन में कैसे फॉर्मूला लगेगा, एक्स की पावर वन का फॉर्मूला कैसे लगता बेटा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन की जगह है वन, एक्स की पावर वन माइनस वन, तो वन इंटू एक्स की पावर जीरो, वन इंटू वन इक्वल्स टू वन। क्लियर, से यार लाउडली, यस और नो। चलो बेटा तो इसका डिफरेंशिएशन भी हो गया वन। ओके तो ये कंप्लीट हुई वाली शीट, चलते हैं सेकंड शीट की तरफ। बच्चों कल मैंने इसकी पूरी शीट को दे दी थी ग्रुप में, एंड प्लीज आप लोग जो है होमवर्क कर लीजिएगा। ये भी रिपीट है, रिपीट है। चलिए इस पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, dy dx ऑफ 7x की पावर 6, जल्दी से बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, वट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 7x की पावर 6, वेरी सिंपल। तब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। रॉन्ग बेटा, गलत है, देखिए गलत बताया आपने। सबसे पहले 7 कांस्टेंट है बेटा, बाहर आ जाएगा और केवल अंदर डिफरेंशिएशन होगा x की पावर 6 का, क्योंकि 7 कांस्टेंट है, तो 7 बाहर आ गया बेटा,
अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो सेवन मल्टीप्लाइड बाई सिक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स की पावर फाइव, आंसर 7 6 42 एक्स की पावर फाइव, गॉट? एनी प्रॉब्लम, आस्क प्लीज। हेलो एवरीवन, एनी प्रॉब्लम, रिप्लाई प्लीज। आ गया समझ में, गुड, ओके। नाउ डू दिस क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, टेल मी द आंसर फास्ट। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, सो इजी क्वेश्चन दिस इज, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फाइव, यस सर, ये थर्ड वाला नहीं आया समझ में। थर्ड वाला तुम्हें समझ में नहीं आया, देखो बेटा सेवन कांस्टेंट है कि नहीं है, बोलो। हाँ सर। सेवन को बेटा बाहर ले लो, ये सेवन को अलग कर दिया, केवल फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा ना। यस सर। तो सेवन मल्टीप्लाई में चला गया, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या आता है हर्ष, एन एक्स की पावर एन माइनस वन आता है, फॉर्मूला याद करो। तो देखो n एन की जगह 6 है, x की पावर n माइनस वन, 6x की पावर 6 माइनस वन, तो 7 था 6 भी आ गया, और x की पावर 6 माइनस वन करोगे कितना आएगा 5, और 7 6 का कितना हो गया 42 x की पावर 5। यस सर। ओके डू द नेक्स्ट, हैव एनीवन गॉट द आंसर, प्लीज रिप्लाई, I am waiting here for your answer. Oh my God, so much time you people are taking, yaar. This very silly question. This one is very easy, guys. सबसे पहले क्या कर दो? Make them separate. So make them d by dx of x square minus d by dx of 7x plus d by dx of 5. So make them separate. अलग-अलग कर दिया तीनों को. देन एक्स टू एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन, सेवन कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस सेवन डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर वन, एंड फाइव अकेला है, अकेले का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये कितना हो गया यार, टू एक्स की पावर टू माइनस वन, दो में से एक गए एक, मतलब टू एक्स की पावर वन यानी टू एक्स ही हो जाएगा, एंड सेवन रहेगा, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ाया मैंने, वन, सो आंसर टू एक्स माइनस सेवन। Anyone got the answer? Yes, sir. Any problem? No, sir. So answer is 2x minus 7. ठीक है बच्चों? हाँ भरत बोलो, क्या है प्रॉब्लम? सर नमस्कार। लग गया, नमस्कार। हाँ वो आपका कनेक्शन लग गया है। ओके। तो कल से आप क्लास कंटिन्यू चालू कर दिए हैं। ओके थैंक यू सो मच भरत। चालू करवा दिया ना उसको, है? उसी कमरे में लगा ना लास्ट वाली क्लास में, उसी कमरे में लगाया आपकी क्लास में। हाँ उसका प्लग सिस्टम वहीं पे है ना, वहीं पे सब कुछ रहेगा। थैंक यू सो मच भरत। ओके गाइस गॉट, बधाई हो बधाई हो। थैंक यू सो मच। चल रही है। ओके जी, सो 2x माइनस 7 उतरे आ जाएं। बताऊंगा बताऊंगा, डोंट वरी। जय बहुत इंटरेस्टेड है कोचिंग को लेकर के भाई। सर ऑनलाइन प्रॉब्लम होती है। हाँ मैं समझता हूँ, बट क्या करें बच्चे सब। ओके आ गया जय, नहीं आया फास्ट यार, बताओ नहीं आया अभी भी? यस सर आ गया सर। ओके डन। ओके सो डू दिस क्वेश्चन गाइस, वंस अगेन आई एम राइटिंग हियर द क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसके आंसर पर बिलीव मत करना, ये किसी बच्चे के आंसर हैं, गलत भी हो सकते हैं, नोट्स मेरी क्लास के बट बनाए बच्चे ने, उसने हो सकता गलत लिखा हो। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6, ओके डू द आंसर। देखो जिसको जिस लाइन में दिक्कत आ रही है खुद से बोल देना कहां पे प्रॉब्लम है।
वेरी सिंपल क्वेश्चन इट इज़। लास्ट वाले का तो जीरो हो ही जाएगा यार, अकेला है। और ये कोफिशियंट बाहर बाहर बाहर, अब इनका ले लो डिफरेंशिएशन। डन, वन मिनट सर, वन मिनट। यस ए डन सर, आंसर यस 9x² - 10x + 10 करेक्ट इट इज सर, मेरा सही है। वेरी गुड बेटा, ओके वेरी गुड बेटा। ओके डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। dy/dx(2x+3)/5x²+6x+7। पहले पूरे का मल्टीप्लाई कर लो, ओपन कर लो, फिर सॉल्व होगा ये। चलो स्टार्ट करो भाई, डू दिस क्वेश्चन। यस डन, 32x² + 42x + 32 नॉट 42 नहीं होगा बेटा, 54 होगा, 27। एक मिनट, इस बच्चे ने क्या किया है, 12 और 15 27, हाँ 54 एक्सेस होगा बेटा। इसका डिफरेंशिएशन 10 3 30, सो 30x² + 54x होगा बेटा प्लस 32। चेक करो 27x² आया कि नहीं आया। आया सर, हाँ यही आ गया आंसर। गॉट इट, अब इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए भाई इसमें, देयर इज नथिंग टू टेक टेकिंग दिस मच ऑफ टाइम। गॉट हर्षिता, हैव यू गॉट द सेम आंसर? यस सर। ओके डन, वेरी गुड बेटा। ओके टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम रिमूविंग दिस फाइल। ओके going to check this answer, 30x² + 54x + 32। Jay, have you not got the answer still? Yes sir, okay, so that is the exact answer.
30 x square plus 54 x plus 32 is the answer. Okay, now do the next question. Very good question this is. ओके डू दिस क्वेश्चन. पहले क्या करना है बेटा, पहले पूरे मल्टीप्लाई कर दो, देन एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लेना. बन गया सर ये एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या करेंगे? हाँ बेटा एक्स स्क्वायर को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो लाइक दिस, 10x³ अपॉन एक्स स्क्वायर, 27x² अपॉन एक्स स्क्वायर, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. पढ़ लो अपना जाओ. कुछ कहीं नहीं, पढ़ लो, क्लास चल रही है. नहीं आप पढ़े नहीं, बस तोते की पिक्चर बनाना है. हाँ ठीक है. सर -22 -22 इज द आंसर. रॉन्ग बेटा, गलत है. आपने इससे शुरू से देखा ही नहीं कहीं. क्या कहाँ आएगा -22 बेटा, कैसे आ जाएगा? चेक करो देखो स्क्रीन पे, कुछ और ही कर दिया बेटा आपने. सबसे पहले बेटा इसको ओपन करो, फिर ये बनेगा, फिर एक्स स्क्वायर को पूरे में डिवाइड करोगे तो ऐसा बनेगा, फिर इसको लिखोगे डी बाई डी एक्स, 2x से 2x कट गए तो ऊपर बना 10x, ऊपर यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो गए तो ओनली बचा 27, और यहाँ क्या बचेगा 32 अपॉन एक्स, और यहां बचेगा 21 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब करेंगे डिफरेंशिएट इसके बाद. सर यस, 32x का कैसे करेंगे सर? 32x का कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन बेटा. देखो इसका तो 10x का 10 हो जाएगा, 27 का 0 हो जाएगा. अब 32x का जब तुम करने पहुंचोगे 32, सो यू कैन राइट इट इज इक्वल टू 32 × 1/x. 32 को बाहर ले लो बेटा, कांस्टेंट है तो 32 बाहर आ गया, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x. कल मैंने बताया था क्लास में 1/x का मतलब x की पावर -1 होता है हर्ष कि नहीं होता? नहीं थे सर. हाँ अरे वो तो होता ही है ना बेटा, पहले भी पढ़े होगे. 1/x इक्वल टू x की पावर -1. चलो डिफरेंशिएट करो, क्या होगा n x की पावर n -1, तो n की जगह -1, x की पावर -1 -1, मतलब 32 और -1 का अप्लाई हो गया -32 और x की पावर -2.
तो ले दे के बनेगा माइनस 32 एक्स की पावर माइनस 2 में चला जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर। आया समझ में? यस। तो क्या बनेगा इसकी जगह? 32 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो मैं लिख देता हूँ क्या आ जाएगा इसका। 10x का बचेगा 10 और 27 का 0 और इसका आ गया माइनस 32 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से इसका करेंगे 21 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, कैसे करेंगे देखो। 21 बाहर हो जाएगा और d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब x की पावर माइनस 2। तो 21 मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस 2 एक्स की पावर माइनस 2 माइनस 1 मतलब माइनस 42 एक्स की पावर माइनस 3। तो माइनस 42 अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? माइनस 42 अपॉन एक्स क्यूब। हर्षिता आपका यही आया है? नहीं सर। नहीं आया? गलती पता करिए कहाँ पे गलती है, बताइए कहाँ पे मिस्टेक है। मुझे तो नीचे नीचे का समझ में नहीं आया। ओके, देखिए यहाँ तक आपने कर लिया था एग्जैक्टली। बोलो यस। यस सर। देन इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 10x बचा पहला स्टेप की नहीं बचा? बचा। देन 27 बचा? हाँ। 32 अपॉन x बचा? 32 बाई x, 32 नहीं ओनली, 32 अपॉन x, क्योंकि बेटा देखो 32x है ना ऊपर, तो 32x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, तो 32 अपॉन एक्स बचेगा 2 अपॉन एक्स एंड 21 अपॉन एक्स स्क्वायर। यस सर। हो गया, अब इसका डिफरेंशिएट कर दो। 10x का 10, 27 का 0, इसका माइनस 32 बाई एक्स और इसका 21 का, ये हो जाएगा। अब बताइए कौन सा पार्ट नहीं बना। रही है क्या आंसर? यही तो है। यस सर। आगे। ओके, यस सर। आ गया जय? जय आ गया कि नहीं आया? यस सर। ओके हर्षिता, चले आएंगे बेटा? हाँ सर। ओके ओके सो अभी हमने बेटा कुछ फॉर्मूले देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले लिखिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। अगर बेटा d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों लिख लो कॉस एक्स। लिख लीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का होगा कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, लिख लिया तो यस बोल देना। यस सर। ओके चलिए आगे चलते हैं। देन इसका ये हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट डिफरेंशिएशन देखिए, अगले फॉर्मूलेज देखते हैं। लिखिए 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। लिखते जाओ कॉपी में, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x इक्वल टू sec स्क्वायर x। बच्चों ये 11th में भी है और 11th से कई गुना ज़्यादा ये 12th में है, तो प्लीज़ भूलना मत 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। मैथ्स वालों को बहुत इंपॉर्टेंट है। सो d बाई डी एक्स ऑफ 10x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x 10x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x स्क्वायर x।
एंड कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, एंड लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों वन बाई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, एंड लास्ट ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ऐसे लिख लेना डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स. व्हाट इज ई की पावर एक्स? एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा. लॉग मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन. एक फंक्शन होता है मैथ्स में जिसको बोलते हैं लॉग एक्स, मीन्स कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन. अब जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा कि क्या होता है. अभी बस लिख लो कि एक फंक्शन होता है लॉगरिथमिक फंक्शन. ये लॉग एक्स होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स होता है. लॉगरिथमिक के जैसे ही इसका ई की पावर एक्स एक फंक्शन होता है एक्सपोनेंशियल, उसका डिफरेंशिएशन बेटा वही आता है ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स ही आता है. ई की वैल्यू क्या होती है बेटा? कांस्टेंट होता है ई. दिस इज इरेशनल कांस्टेंट 2.7182 अप टू डॉट 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 चलता ही जाता है. ई ई इज द कांस्टेंट. ओके डन सर. यस बेटा. सर थर्ड एंड फोर्थ नहीं लिखा सर, दिखा दीजिए. ओके बेटा. ओके डन. ओके चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. राइट इन योर कॉपी प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. तो बेटा प्रोडक्ट रूल क्या होता है देखिए. प्रोडक्ट रूल ये होता है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, दो फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम है यू, दूसरे फंक्शन का नाम है वी. मतलब मैंने ऐसे ही नाम दे दिया यू भी. दो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है. अभी हमने देखो किस में कर लिया. हमने पढ़ लिया प्लस में अलग अलग कर देते हैं, माइनस में अलग अलग कर देते हैं. अब देखो प्रोडक्ट में क्या होता है. तो अगर दो फंक्शन अलग अलग हैं तो इसको ले लो फर्स्ट और इसको ले लो सेकेंड. तो बेटा सबसे पहले यू को बाहर छोड़ देना एंड यू नीड टू डिफरेंशिएशन ओनली वी. बीच में प्लस वी को बाहर छोड़ देना एंड यू नीड टू डिफरेंशिएशन ओनली यू. फर्स्ट छोड़ के सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड छोड़ के फर्स्ट का. चेक हियर इन द सोल्यूशन. अपन सोल्यूशन में चेक करते हैं. देखिए दिस इज द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर साइन एक्स. सो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है. तो देखो फर्स्ट को बाहर रख दिया, सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर सेकेंड को बाहर रख दिया और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया. तो पहले बेटा फॉर्मूला नोट कर लो आप लोग. ये है फॉर्मूला.
सर ये क्वेश्चन में साइन एक्स है। हाँ बेटा क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स। हाँ बेटा एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। हाँ बेटा बोलो एक्स स्क्वायर साइन एक्स है। क्लियर हुआ? यस सर। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन और सेकंड और फर्स्ट फंक्शन लेके कर दूं। बोलो भाई बनेगा कि नहीं बनेगा? वेरी सिंपल। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स बाहर एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, देन साइन एक्स को एज इट इज छोड़ दो एंड एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x की पावर 2 माइनस 1। सो आंसर कितना हो गया? एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। दिस इज द आंसर। बताओ कोई प्रॉब्लम? करो सॉल्व। क्या हुआ? नहीं बना बेटा? बच्चों बोलो जल्दी से, नहीं बन रहा क्या? हर्षिता नहीं बन रहा क्या? नो सर। नो सर। ओके सी वंस अगेन। बेटा अपने पास क्वेश्चन क्या है? डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। जय यहां पे कितने फंक्शन दिख रहे हैं? एक या दो? दो फंक्शन है, ठीक है ना? तो रूल मैंने क्या बताया बेटा? रूल मैंने बताया फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, बीच में प्लस का साइन, अब सेकंड को छोड़ दो और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो। चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने क्या पढ़ाया जाए? फॉर्मूले में क्या लिखा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स हो गया इसका प्लस साइन एक्स। हर्षिता एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2x। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? जय आई वॉन्ट योर आंसर, टेल मी। यस सर। ओके चलिए। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स। सो देयर आर टू फंक्शन, अप्लाई द सेम प्रोसीजर एंड गेट द आंसर फास्ट। जल्दी करो बच्चों। डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब लॉग एक्स। आप लोगों ने कल का होमवर्क का सोल्यूशन नहीं भेजा ग्रुप पे, गलत बात। कल मैंने कहा था कि होमवर्क करके सोल्यूशन भेजना जरूरी है, पूरा होमवर्क का कॉपी का पेज भेजना था, बट आप लोगों ने नहीं भेजे भाई। हर्षिता बेटा आप तो भेज देते हो, अभी भेज देना क्लास के बाद। ओके यस सर। वो दूसरा वर्क कर रही थी स्कूल का। ठीक है आपने कर लिया ना क्लास का काम ये वाला? ठीक है भेज दीजिएगा। हर तुमने कर लिया जय? यस सर कर लिया सर। ठीक है भेज देना बेटा। यस बन गया बच्चों। एक्स क्यूब लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन
log x का 1 by x. Very good बेटा, बहुत अच्छे 1 by x, exactly. ओके कैसे आएगा बेटा, तो फर्स्ट फंक्शन इज एक्स क्यूब, ये जो दिख रहा है एक्स क्यूब इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस सेकंड फंक्शन लॉग एक्स इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1. सो दिस में बी योर आंसर बेटा, एक्स से एक एक्स कट गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स मल्टीप्लाइड बाई 3 एक्स स्क्वायर. क्या यही आंसर आया है आपका? Yes, sir. Okay. So this will be your answer. Clear? Hai? Okay, Jay. Aage answer. Yes. Harshita, you say. Yes, sir. ओके थैंक यू. तो आज यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग. एंड वन मोर थिंग बच्चों, मैंने आपको ग्रुप में लिंक भेजी अभी, ये देखिए. यस देख लीजिए, ग्रुप में लिंक भेजी है, चेक कर लीजिए सब लोग मिल गई. यस सर. हाँ तो आज का होमवर्क है ये जो मैंने पढ़ाया अभी, इसके नोट्स भेज रहा हूँ मैं, तो वो तो आप करोगे ही, जस्ट आई एम सेंडिंग यू द नोट्स. एंड दूसरा ये जो नोट्स मैंने, ये जो मैंने लिंक भेजी है बेटा, ये ग्रेविटेशन फुल चैप्टर है जो मैंने आपको पढ़ा दिया है. तो आप लोग को इसके फुल नोट्स बना, मैं नोट्स क्यों मांगता हूँ बच्चों, नोट्स इसलिए क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि इस बच्चे ने काम किया है. अगर आप नोट्स नहीं दोगे ना, तो मैं मान के चलूँगा आप नहीं करे हो, भले आप कितना बोलो मेरे से. तो एज ए टीचर मेरे को नोट्स आपके बहुत ज़रूरी हैं, कि नोट्स भेज देते हो तो मैं श्योर हो जाता हूँ कि हाँ आपने कर लिया, मैं देख लेता हूँ. तो आप दो काम करके लाएंगे. देखो एग्ज़ाम आ रहे हैं तो ज़रूरी है प्रिपरेशन हम तेज करें, तो एक तो आपको ये करना है और दूसरा ये करना है. जय तीसरा काम आपके लिए ये है, यू हैविंग द रिफ्रेशर. तो रिफ्रेशर में बेटा पहला जो टॉपिक है दैट इज बेसिक मैथमेटिकल टूल, उसमें डिफरेंशिएशन के जो क्वेश्चंस हैं वो बेटा ग्रुप में आप डाल दो सर्च करके. कैन यू डू दिस? ओके तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आप डाल देना. yes, sir. सारे बच्चे कर लेंगे, और जो नहीं बनेंगे बच्चों से वो मैं बता दूंगा कल ग्रुप से. तो आप रिफ्रेशर से डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चन ग्रुप में डाल दीजिएगा. ओके थैंक यू गाइस, वी विल मीट टुमारो, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय. थैंक यू सर. थैंक यू बेटा.